राजधानी जयपुर के चमू शहर के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। चमू नगर पालिका क्षेत्र के लोगों को बिजली के कम वोल्टेज मिलने वाली समस्या से निजात मिलने वाली है। दरअसल 33 केवी के दो सब ग्रिड स्टेशन बनकर तैयार हो गए हैं, जिनका पिछले कई दिनों से शहर के लोगों का इंतजार था। अब शहर के लोगों को बिजली की बार बार ट्रिपिंग और कम वोल्टेज आने की शिकायत से मुक्ति मिल जाएगी। चमू XENK के पारिक ने बताया कि 15 जुलाई से दोनों सब ग्रिड स्टेशन शुरू हो जाएंगे, जिससे नगर पालिका क्षेत्र के 80% लोग यानी करीब 15,000 लोगों को इसका फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि एक सब ग्रिड स्टेशन वीर हनुमान जी रोड पर शमशान घाट के पास बनाया गया है, दूसरा सब ग्रिड स्टेशन कच्चा बंधा के पास बनाया गया है। 6 करोड़ रुपयों की लागत से बनने वाले दोनों सब ग्रिड स्टेशनों का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। 15 जुलाई तक इन्हें शुरू कर दिया जाएगा और इनके माध्यम से शहर में बिजली आपूर्ति की जाएगी। उपभोक्ताओं को गुणवत्ता की बिजली देने एवं सप्लाई रिलायबिलिटी बढ़ाने के लिए 2 नए 33/11 KV सबस्टेशन स्वीकृत हुए, जिनका काम चल रहा है और 15 जुलाई तक दोनों सबस्टेशन से उपभोक्ताओं को बिजली मिलने लगेगी। एक सबस्टेशन बन रहा है कच्चा बंदा जयपुर रोड पे और दूसरा वीर बांझी के रास्ता शमशान भूमि के पास में। इन दोनों सबस्टेशन के बनने में करीब करीब 6 करोड़ से अधिक का खर्चा आएगा एवं चमू नगर पालिका क्षेत्र के 80% उपभोक्ता, करीब 15,000 उपभोक्ताओं को इससे फायदा मिलेगा। उनको बार बार बिजली की सप्लाई में व्यवधान से की समस्या से निजात मिलेगा एवं लो वोल्टेज की समस्या है उससे छुटकारा मिलेगा।